शाहबाग में चनशाह कब्रिस्तान से मां और दो बेटियों की लाशें बरामद। एक जख्मी लड़की अस्पताल मुंतकिल। जां बहक और जख्मी होने वाली तीनों सगी बहनें हैं, उम्र 12 से 16 साल के दरमियान हैं। भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया। जख्मी राबिया का बयान। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में आज फिर ख्वाजा बरादरान के लिए एक और अहम दिन। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत आज खत्म होगी। दोनों भाइयों ने तब्दीली तफ्तीश के लिए अदालत और चेयरमैन नैब को दरखास्त दे रखी है। जूनियर क्लर्क का लेडी ट्रैफिक वार्डन को अगवा करने का ड्रॉप सीन। एसपी सदर के इंक्वायरी में होशुबा इंकशाफात। लेडी वार्डन जूनियर क्लर्क पर लगाए इल्जामात साबित ना कर सकी। शादी से इनकार पर लेडी वार्डन ने जूनियर क्लर्क पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। इंक्वायरी रिपोर्ट पर लेडी वार्डन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पंजाब पुलिस में अखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी। एक एसपी और 22 डीएसपी के तकरर और तबादले। अशरफ आयात को डीएसपी इचरा लाहौर तैनात कर दिया गया। डीएसपी बाबर मुमताज की खिदमात एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग के सपुर्द। दूसरों को पकड़ने वाले खुद पकड़ में आ गए। करप्शन में मुलव्वस एक्साइज अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चार इंस्पेक्टर और तीन डाटा ऑपरेटर्स को हदों से हटा दिया गया। हटाए गए अफसरान के खिलाफ गाड़ी की बोगस ट्रांसफर का केस चल रहा था। पांच हजार के काम पर 50 कैसे खर्च हुए, ये पूछा तो सब नैब के खिलाफ इकट्ठे हो गए। नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्की मफादात के लिए काम कर रहा है। नैब में हर सिफारिश और अहदा गेट से बाहर खत्म हो जाता है। अब ईमानदार लोगों का जीना आसान होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास। डीजी नैब लाहौर की मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के वफ की भी मुलाकात। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर। ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए जदीद इलाज अब लाहौर में भी मुमकिन। जनरल अस्पताल में मरीज को बेहोश और किसी आजा को नाकारा किए बगैर 40 साल शहरी का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने इंसानी खिदमत का फरीजा अंजाम देकर एक और तारीख रकम कर दी। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर के हुकूमत में मौजूद पुराने इत्तेहादी अरकान असेंबली से राबते। सऊद मजीद और साहरा अफजल तारड़ को जितवाने के लिए कोशिशें। तरीके इंसाफ की भी हिकमत अमली तैयार। अरकान असेंबली को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने का फैसला। हर ग्रुप की निगरानी एक सूबाई वजीर करेगा। तंजीला इमरान सीमीएसडी के हक में दस्तबरदार। तंजीला इमरान आजाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ रही थी। तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत क्या तब्दीली लाई, बताया जाए। रिलीफ के नाम पर वोट लेने वालों ने आवाम को महंगाई का तोहफा दिया। 100 दिन भी मुकम्मल होने को हैं, मगर तब्दीली कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का मंसूरा में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और फलस्तीन के दरमियान दोस्ताना मैच। कौमी फुटबॉल टीम दोस्ताना मैच खेलने के लिए लाहौर एयरपोर्ट से फलस्तीन रवाना। दोस्ताना मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। टीम बरास्ता दुबई उर्दन से फलस्तीन पहुंचेगी। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के 17 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स फलस्तीन रवाना हुए। और रहमतुल आलमीन हजूरे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न। शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियों बाजारों और घरों की सजावट का सिलसिला जारी। गंगपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों की आमद।